नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। सोनभद्र पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग के 3 अंतरजनपदीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया। रविवार को मुखबिर की सूचना पर एसओजी सर्विलांस टीम व थाना करमा सोनभद्र पुलिस के अथक प्रयास से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को प्लास्टिक की 3 थैलियों में 225 ग्राम हीरोइन, 2 अदद मोटरसाइकिल, 90,000 रुपये नकद के साथ गणेशपुर तिराहा थाना करमा अंतर्गत से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। थाना करमा क्षेत्र में कल 3 तारीख को चेकिंग के दौरान 3 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की। तीनों नए उम्र के लड़के हैं, मिर्जापुर के रहने वाले हैं। एक का नाम श्याम बाबू है, दूसरा गोलू और तीसरा सिद्धार्थ शंकर। ये पहले से भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं और लखनऊ इत्यादि बड़े शहरों से लाकर हीरोइन की तस्करी जनपद सोनभद्र और जनपद सोनभद्र से लगे हुए एरिया में तो हीरोइन को बेचते हैं। उनके पास से 225 ग्राम के लगभग हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 20 से 25 लाख रुपये है। और इनके पास में नगद जो बेचे हुए का नगद 90,000 रुपया बरामद हुआ है। तो मोटरसाइकिल इनके पास से पुलिस को बरामद हुआ है। एक इनमें से एक का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। इस तरीके का ये गैंग पकड़ा गया है जो तस्करी करता है मादक पदार्थ। गिरोह के कुछ लोग और चिन्हित हुए हैं। हाँ, इन्होंने जिनका नाम अभी बताया है पुलिस को, जो लोग लखनऊ और बाराबंकी क्षेत्र के हैं जहाँ से लोग सप्लाई लेते हैं, उन लोगों को अभी पकड़ना गिरफ्तार करना शेष है।